एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं अपनी हिमालयन BS6 जो कि अप्रैल 2022 का मॉडल है। तो मैंने इस पे टूरिंग के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए, क्या क्या मैंने एसेसरीज लगाई है जो कि एक राइडर के लिए टूरिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं इसके फ्रंट में। हमने फ्रंट में इंस्टॉल किया ये हेडलाइट ग्रिल जो कि आपके हेडलाइट को प्रोटेक्ट भी करेगा, और इसका जो नेट है, जो जाली है ना, वो बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, जिससे आपका जो लाइट गिरने वाला है रोड पे वो काफी विजिबिलिटी आपको देगा, मतलब लाइट ज्यादा कवर नहीं करेगा ये। जो कि अगर आपको ये परचेस करना होगा, ये आपको मिलेगा अमेजोन पे कुछ 2500 से 2700 के बीच में आता है। इसमें आपको हेडलाइट ग्रिल, पिछले ब्रेक ऑयल सिलेंडर का प्रोटेक्टर, रेडिएटर प्रोटेक्टर, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास ये जेरी कैन जो कि दोनों साइड में लगी है, एक 5 लीटर की एक 5 लीटर की, टोटल होता है 10 लीटर, जो कि आपको हाईवे पे 30 किलोमीटर के एवरेज से अगर आप कैलकुलेट करें तो 10 लीटर में ये आपको 300 किलोमीटर तक का रेंज दे देता है, और अगर ऑफ रोड में बात करें 25 के एवरेज पे तो आपको ये 250 किलोमीटर तक का रेंज देता है गाइस। तो अगर इसमें आप रेड लेंगे तो वो थोड़ा सस्ता गिरता है। ये मैंने ब्लैक इंस्टॉल करवाए थे जो कि मुझे 7 या 7500 के कुछ गिरे थे, इतना कुछ याद नहीं है। अभी आते हैं इसके हैंडल बार पे जो कि मैंने लगाया है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का, लेकिन ये लगाने के बाद मैंने कोई राइड नहीं किया है। हाँ, लोकली राइड किया है, बहुत ज्यादा लंबा राइड नहीं किया, लेकिन ये हैंडल बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब ये चौड़ा भी आता है, थोड़ा हाइट भी एक्सटेंड कर देता है, और साइडलिंग के लिए और ऑफ रोड के लिए सबसे बेस्ट हैंडल है भाई ये। अब आते हैं अगले मॉडिफिकेशन के ऊपर जो कि हमने इस पे इंस्टॉल किया है, स्पार्कल का वाटरप्रूफ चार्जर जो कि आपको वोल्टेज भी, यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है एक छोटा सा जो कि आपको वोल्टेज इंडिकेट करता है, और इसमें 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं जो कि 3-3 एम्पियर तक का आपको आउटपुट देते हैं, मतलब फास्ट चार्जिंग है, सपोर्ट करने वाला चार्जर है जो कि आपको अमेजोन पे मिलता है 2000 या 2200 के समथिंग, मुझे अभी याद नहीं मैंने कितने में परचेस किया था। तो अगला मॉडिफिकेशन है दोस्तों ग्रैंड पी स्टॉप का मोबाइल माउंट या मोबाइल होल्डर भी बोल सकते हैं इसको। तो मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया था 2500 या 2000 में, इतना कुछ याद नहीं है। इसके साथ भी मैंने कोई लॉन्ग टूरिंग नहीं किया, लद्दाख से आने के बाद मैंने ये होल्डर जो है इंस्टॉल किया था, जो कि मैंने पहले एक राइडर का देखा था, मैंने चेक किया कि ये कितना सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ये बहुत ज़्यादा सेफ है दोस्तों। अगर एक बार आपने इसका, इसके ऊपर अगर आपने एक बार मोबाइल लगा दिया तो ये निकलने वाला तो है नहीं, जब तक आप हाथ से नहीं निकालते अपने आप तो मोबाइल निकलने वाला है नहीं। मेरे लिए सबसे बेस्ट एसेसरीज ये मोबाइल के लिए, और मैंने ये अपने GPS माउंट पे बिल्कुल नहीं लगाया, मैंने ये हैंडल बार पे लगाया क्योंकि GPS माउंट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। जब GPS माउंट पे कोई भी अपना आईफोन अगर लगाता है तो शेकिंग में है ना कैमरा में प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने इसको हैंडल में लगाया। यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और कम से कम टाइम तक आपने मोबाइल इस पर लगाना है, चाहे आपका कौन सा ही मोबाइल हो, क्या पता वाइब्रेशन के चलते आपके फ़ोन के कैमरा में कोई दिक्कत आ जाए, जब आपको ज़रूरत हो तभी आप इसमें मोबाइल लगाएं। तो अगला मॉडिफिकेशन है गाइस जो कि ऑफ रोड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना ऑफ रोड हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपका क्रैश हो जाए या फिर कोई आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो इसके लिए आपके बाइक को भी ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है और आपके लेग्स को भी ये एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो अगला मॉडिफिकेशन है हिमालयन का अल्टीट्यूड मोटो का इंजन गार्ड जो कि 6500 तक का मुझे गिरा था, और इसमें आपको क्रैश बार्स भी मिल जाते हैं और पूरी तरीके से चारों दोनों साइड से और नीचे से भी ये इंजन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। अगला मॉडिफिकेशन है दोस्तों जो कि आपको नाइट राइड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाइट राइड तो मैं पर्सनली अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन राइड पे जब अपन होते हैं तो 1-2 घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए नाइट राइड हो ही जाती है, इसलिए नाइट राइड में कौन से भी बाइक पे लगाने पड़ते हैं अपने को एक्स्ट्रा फोग लैम्प्स। तो मैंने एक्स्ट्रा फोग लैम्प्स लगाए हैं आगे SGG के, जब मैं लद्दाख राइड पे था तो SGG के मैंने ये वाले फोग लैम्प लगाए थे जो कि उधर साइड भी थे, लेकिन एक टूट गया। और अभी मैंने लगाए हैं मैकबॉट के वाटरप्रूफ फोग लैम्प जो कि मुझे मैकबॉट के फोग लैम्प मिले थे 2500 रुपये के पेयर, और SGG के मुझे फोग लैम्प ये मिले थे, ये 3000 रुपये के पेयर थे, और दोनों में ही येलो भी लाइट है और वाइट भी लाइट है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। मैकबॉट के जो फोग लैम्प है ना दोस्तों, ये कोई ब्रांडेड फोग लैम्प नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, मुझे काफ़ी पसंद आई है फोग लैम्प। मैंने 3-4 नाइट राइड भी की, एक राइड बारिश में भी की, लेकिन इन्होंने कभी धोखा नहीं दिया, सबसे बेस्ट फोग लैम्प है अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगला मॉडिफिकेशन है दोस्तों मिलाचिन का GPS माउंट जो कि मुझे गिरा था 950 या 1000 रुपये का, लेकिन इसमें ना वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्स्ट्रा माउंट या फिर एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाने के लिए सही है, लेकिन इसमें आपने
मोबाइल तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होते हैं ना इसमें आपको आपके फोन का कैमरा डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जो कि मेरा फोन का कैमरा डैमेज हुआ था, वारंटी में होने के चलते मैंने पूरा फोन ही रिप्लेस कर लिया था आईफोन के सर्विस सेंटर से। तो अगला मॉडिफिकेशन है फ्रंट ब्रेक ऑयल कैप प्रोटेक्टर, जो कि मुझे 450 या 500 रुपए के करीब कुछ तो गिरा था, बहुत दिन हो गए इतना कोई याद नहीं है। तो आगे अगला मॉडिफिकेशन है दोस्तों राइनॉक्स का मैग्नेटिक टैंक बैग, शायद ये 45 लीटर्स का है, मुझे इतना याद नहीं है। ये वैसे मेरे दोस्त का है, मैं जल्दी एक मैग्नेटिक टैंक बैग लेने वाला हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास है गार्डियन गियर्स का नॉन मैग्नेटिक टैंक बैग, लेकिन ये मैंने एक राइड के लिए उससे लिया था, और जल्दी मैं एक ऐसा टैंक बैग लेने वाला हूँ जिसका प्राइस होगा 4-4.5 हज़ार के करीब मुझे एक टैंक बैग गिरने वाला है। और जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था गार्डियन गियर्स का टैंक बैग, उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो मैग्नेटिक ना होने के चलते थोड़ा सा दिक्कत करता है राइड में, मतलब हैंडी नहीं है वो बहुत ज़्यादा। ये टैंक बैग सबसे अच्छा है क्योंकि ये मैग्नेटिक है, आप जब चाहे इसको निकाल सकते हो और जब चाहे इसको आप टैंक पे रख सकते हो इस तरीके से। तो और ये इसके जो मैग्नेट्स है ना, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मैग्नेट्स है, पूरा आप भर के भी आप चलोगे ना ये तस से मस होने वाला नहीं है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये टैंक बैग है। तो अगला मॉडिफिकेशन होने वाला है दोस्तों TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हमने परचेस किया था मुनिकार ब्रांड का, और वो मुझे गिरा था समथिंग 3,000 के समथिंग कुछ मुझे गिरा था अमेजोन से। और इसमें क्या है ना, ये फ्रंट टायर का भी प्रेशर आपको एक्यूरेट बताता है और रियर टायर का प्रेशर एक्यूरेट बताता है, और टायर टेम्परेचर भी बताता है, अगर हवा ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हवा भी बताता है, और कम अगर प्रेशर हो जाए तो कम प्रेशर भी बताता है। इसमें आपको कितना प्रेशर चाहिए ये आप मैन्युअली सेट कर सकते, तो काफ़ी अच्छा ये TPMS है, मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा क्योंकि मैंने राइड पे यूज़ नहीं किया। जब मैं राइड पे यूज़ करूँगा, अभी बहुत जल्दी मेरा उमलिंगला राइड होने वाला है, इसी जून में मैं 25 तारीख को उमलिंगला राइड पे निकलने वाला हूँ दोस्तों, तो उस राइड पे इसका क्या रिजल्ट मिलता है मैं किसी ना किसी व्लॉग में ज़रूर बताऊँगा। तो लद्दाख राइड में मेरा बहुत बुरा एक एक्सपीरियंस रहा दोस्तों, ये जो हिमालयन है इसके फोर्क व्हील आते हैं, ट्यूबलेस नहीं होती, ये ट्यूब टायर के साथ आती है। तो जब हम लोग लेह में थे तो पिछला टायर ना एकदम बारीक पंचर हो गया था, मतलब पंचर ही नहीं मिल रहा था, वो पंचर निकालने के चक्कर में हम लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया था। तो आने वाली राइड्स के लिए मैंने इन टायर्स में डाला है एंटी पंचर सॉल्यूशन, जब से मैंने एंटी पंचर सॉल्यूशन डाला है तब से मैंने कम से कम 2,500 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, लेकिन अब तक हवा भी उसकी ना कम हुई है ना ही कोई पंचर हुआ है। तो सबसे बेस्ट एंटी पंचर सॉल्यूशन, अगर आप आपकी ट्यूबलेस बाइक नहीं है तो आप एंटी पंचर सॉल्यूशन उसमें डलवा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका। अगला मॉडिफिकेशन है दोस्तों जिसके बिना मतलब राइड अधूरी सी लगती है, वो है पैनियर्स। मैंने पैनियर्स लिए थे रॉयल एनफील्ड के, दोनों पैनियर्स मुझे 30 या 39,000 में कुछ गिरे थे, और उसके बाद आता है हमारा टॉप बॉक्स जो कि है नॉन ब्रांडेड टॉप बॉक्स है, रॉयल एनफील्ड का कोई टॉप बॉक्स नहीं आता। ये टॉप बॉक्स मैंने खरीदा था अभी रिसेंटली, और ये टॉप बॉक्स मुझे गिरा है, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते में मुझे टॉप बॉक्स गिरा है। अगर आप किसी भी शॉप्स में अगर ये टॉप बॉक्स देखोगे तो ये टॉप बॉक्स 18 या 18,500 के समथिंग आपको मिलेगा, लेकिन ये टॉप बॉक्स मुझे गिरा था सिर्फ और सिर्फ 12,500 में। तो ये जो किट है मेरा सबसे पसंदीदा किट है, जो कि पैनियर्स और टॉप बॉक्स। पैनियर्स में आपको पूरा फुल साइज हेलमेट रखने का आपको स्टोर मिल जाता है, ये देखिए इसमें मेरा हेलमेट पड़ा है अभी भी, ये देखिए पूरा फुल साइज हेलमेट इसमें बैठ जाता है, और ये आपको शॉर्ट राइड में भी काफ़ी इफेक्टिव है और लॉन्ग राइड में भी काफ़ी इफेक्टिव है। दोनों पैन ईयर्स और टॉप बॉक्स पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए इसमें रखा सामान गीला होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पैन ईयर्स के साथ लद्दाख राइड किया पूरी बारिश में, हरियाणा से लेकर मुझे हरियाणा पंजाब और जम्मू तक मुझे बहुत ज़्यादा बारिश मिली, लेकिन इसमें एक बूंद भी पानी नहीं गया। अब ये टॉप बॉक्स का क्या रिव्यू निकलता है उमलिंगला राइड पे, ये मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा। और अगेन जो सैडल स्टे है वो सैडल स्टे भी रॉयल एनफील्ड का था, ये मुझे याद नहीं मुझे सैडल स्टे कितने का गिरा था, स्क्रीन पे आ रहा है मुझे उतने का ये सैडल स्टे गिरा था। ये सब चीज़ों के बारे में बात करते करते मैं भूल गया कि फोग लैम्प के लिए मैंने स्विचेस कौन से इंस्टॉल किए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये ब्रांड के मैंने स्विचेस इसमें इंस्टॉल किए, जो कि मुझे 1500 रुपये के गिरे थे, और इसमें 3 स्विच आते हैं, ये 2 स्विच का भी आता है 1 स्विच का भी आता है, लेकिन स्विच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लोकल वो 30-40 रुपए का स्विच लेने से अच्छा है कि आप ये स्विच लगाएं, क्योंकि मैंने लोकल का एक स्विच लगाया था लद्दाख राइड में, इसने मुझे बीच में धोखा दे दिया था और मुझे डायरेक्ट जो फोग लैम्प है ना वो मुझे डायरेक्ट करने पड़े वायर कार्ड पे। मुझे काफ़ी लद्दाख राइड में ना लोकल स्विच की वजह से
बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ी थी। ये स्विच जो है ना, ये काफी बेस्ट क्वालिटी के स्विच है, तो मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ ये स्विच लगाना, अगर आप लगाना चाहते हो आपके बाइक पे। तो बाकी ये वीडियो होता है दोस्तों यही पे खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी मॉडिफिकेशन के बारे में अगर आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उस मॉडिफिकेशन के बारे में हम आपको स्पेशल वीडियो जरूर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।